Assalamualaikum. Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today we will discuss about drugs for anxiolytic and hypnotics. So last lecture we will discuss about general introductions of sedative and hypnotics. So before watching my video, please like and subscribe my channel. So let's start. लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, सिडेटिव के बारे में और हिप्नोसिस के बारे में, हिप्नोटिक के बारे में, ठीक है। उससे पहले हमने न्यूरो डिजनरेटिव के बारे में, डिजीज़ के बारे में पढ़े थे, वो हमारा हो गया CNS का जो सेक्शन था, ठीक है, डिसऑर्डर CNS, वो हमने स्टार्ट किए थे। न्यूरो डिजनरेटिव वाला हमने पढ़ लिया था, उसमें पार्किंसन डिजीज़ थी, अल्जाइमर डिजीज़ है, और उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस रह गई थी, तो वो फिर किसी दिन उसको कवर अप कर लेंगे। तो आज हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो सिडेटिव और हिप्नोटिक के तौर पर ड्रग जो यूज़ हो रही हैं, इसमें बेंजोडाइजेपिन्स है, ठीक है, बारबिट्यूरेट्स होती हैं, एंजियोलाइटिक्स हैं, अदर हिप्नोटिक्स ड्रग्स आती हैं, ठीक है। अब बेंजोडाइजेपिन में हमारे पास अल्प्राजोलम है, डाइजीपाम है, ठीक है, फ्लोराजीपाम है, ठीक है, फ्लोराजीपाम है, तो डिफरेंट ड्रग्स आ जाते हैं। बारबिट्यूरेट में हमारे पास फिनोबारबिटोल है, फेंटोबारबिटोल है, ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट ड्रग्स आ जाती है। उसके बाद एंजियोलाइटिक में फिर एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। अदर हिप्नोटिक्स में हमारे पास तो डिफरेंट ड्रग्स आ जाती हैं, उसको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अब जो जितनी भी हम ये ड्रग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये है कि जो डिप्रेशन में या कोई भी आपका जो CNS न्यूरॉन की डैमेजिंग हो जाती है, उसकी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी CNS के, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि कब अगर आपके माइंड पर, ठीक है, आपके ब्रेन पर आप लोड होगा, तो उसको कैसे, उसको रिलैक्स करने के लिए हम कौन सी ड्रग, डिप्रेशन है कोई बहुत ज़्यादा डीप थॉट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है और न्यूरॉन की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, न्यूरॉन की डैमेजिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, या ऐसी ड्रग की सिलेक्शन करेंगे जिससे क्या हो, उसका जो टेम्परेरी रिलीफ हमें, परमानेंट रिलीफ तो नहीं होगा लेकिन टेम्परेरी रिलीफ हमें उस डिजीज़ के अगेंस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले बेंजोडाइजेपिन की बात कर रहे थे, उससे पहले हम देखते हैं इसमें मोस्टली हम डिस्कस करेंगे जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका रोल क्या है। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का हमने पढ़ा था कि जो गाबा होता है, ठीक है, गाबा एक्ट एज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक तो एक्साइटेटरी होता है, ग्लूटामेट और एसिटाइलकोलाइन, और इनहिबिटरी में हमारे पास गाबा और ग्लाइसिन आ रहे थे, तो ये बैलेंस रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, CNS की जो फंक्शनिंग है उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी का लेवल जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास ये बेंजोडाइजेपिन गाबा की अगर हम बात कर लें, तो गाबा के 5 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 और गामा, ये 5 डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं जिस पे ड्रग्स आके एक्ट करती हैं। अब बेंजोडाइजेपिन के लिए अलग वो उसकी बाइंडिंग साइट अलग सब यूनिट के साथ आके अटैच करेगी, जो एनेस्थेटिक होगी वो अलग जाकर उसकी सब यूनिट के साथ अटैच करेगी, ठीक है, जो बारबिट्यूरेट्स होगी उसके लिए अलग उसका सब यूनिट होगा, मे बी वो अल्फ़ा 1 के साथ या अल्फ़ा 2 के साथ बाइंड कर रही है, ठीक है, जिसके के साथ भी, तो जैसे ही वो गाबा आके जो लाइगेंट आएगा, ठीक है, उसके गाबा के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, हमारे पास इसकी एक्टिवेशन होगी। तो हमने पढ़ा था इनहिबिटरी गाबा में क्या होगा कि जैसे ही वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ठीक है, क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है, कि मीन्स क्लोराइड इनसाइड द सेल मूव करेंगे, ठीक है, तो जो पोटेशियम होगी आउटसाइड द सेल जाएंगे, और हमारे पास क्या होगी जो वीक हाइपरपोलराइजेशन। अब चूँकि इनसाइड द सेल क्लोराइड नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव जब आ रहे हैं तो पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर ज़्यादा और पोलराइजेशन, ठीक है, कि मींस क्या है कि नेगेटिव की कंसंट्रेशन इन दिस साइड दिस सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह एज इट इज़ भी हमारे पास जो बेंजोडाइजेपिन का इसी तरह सेम मैकानिज़म ऑफ एक्शन होगा, ठीक है, जैसे ही आया बेंजोडाइजेपिन वो लाइगेंड जो है आके रिसेप्टर के साथ गाबा के साथ बाइंड करेगा, जब बाइंड करेगा तो एक्टिवेशन होगी, ठीक है, क्लोराइड का इन्फ्लक्स होगा, जब क्लोराइड का इन्फ्लक्स होगा तो वो हमारे पास जो लोड होगा या वो बर्डन होगा, ठीक है। अब जो
अगर इसकी लो डोज हम यूज़ करेंगे, बेंजोडाइजिपिन को अगर डोज कम यूज़ करें तो वो क्या करेगा, माइंड को काल्म करेगा, ठीक है, उसकी जो हमारे में उसका जो बर्डन है, ठीक है, माइंड को रिलैक्सेशन काज करेगा, ठीक है, माइंड को रिलैक्स रखेगा, उसकी जो हमारे पास स्ट्रेस होगी या टेंशन होगी, एनजाइटी होगी, इसको कम कर देगा, ठीक है, अगर हम लो डोज उसकी यूज़ करें। और वही अगर उसी बेंजोडाइजिपिन की अगर हम डोज इंक्रीज़ करें तो एपनोसिस काज करेगा, मीन्स के रिलैक्स और काल्मिंग इफेक्ट तो दे रही था, साथ में क्या होगी, वो स्लीपिंग को इंड्यूस करेगा, तो लो डोज पे स्लीपिंग वगैरह नहीं उसकी काज नहीं करेगा, ठीक है, और हाई डोज पे क्या हो जाएगा उसके, वो फिर स्लीपिंग काज करेगा। तो ये है कि अब बेंजोडाइजिपिन के भी फिर एक्शन, थेरेप्यूटिक एक्शन डिफरेंट है कि हम इसको एज एंजाइलाइटिक भी, हिप्नोटिक भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटी कन्वलिसेंट के तौर पर सीजर वगैरह, झटके वगैरह लग रहे हैं अगर, ठीक है, उसके बाद एमनीजिया है तो उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, उसके अलावा हमारे पास तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको हम यूज़ करेंगे जो बेंजोडाइजिपिन होगा, इसके डिफरेंट हमारे पास जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा मेन जो है इसका मसल रिलैक्सेंट में भी रोल होता है, ठीक है, इनहिबिशन का, क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब गाबा की एक्टिवेशन होगी तो वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर उसका जो फंक्शन होगा रिक्वायर्ड इफेक्ट देगा हमें, तो जिसकी वजह से मसल जो होंगे उसकी मसल की रिलैक्सेशन भी करेगा हमारे पास, तो ये डिफरेंट इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट होते हैं हमारे पास, मैकानिज्म ऑफ एक्शन। तो ये है कि फिर जो हमारे पास एनजाइटी है तो एनजाइटी के भी फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, जनरल एनजाइटी होती है, सोशल एनजाइटी होती है, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक एनजाइटी है, तो ये डिफरेंट इसके टाइप्स होती हैं एनजाइटी, वो फिर डिपेंड कर रही है कि कौन सी एनजाइटी है, कौन सी टाइप की एनजाइटी है, ठीक है, आपको जनरल है, सोशल है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक एनजाइटी है, तो वो फिर डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करेगी, डिफरेंट उसकी डायग्नोसिस कर रहे हैं आप, तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी भी अलग होगी कि कौन सी आपने ड्रग चॉइस ऑफ ड्रग करनी है, ठीक है, बारबिट्यूरेट यूज़ करना है, बेंजोडाइजिपिन को यूज़ करना है, ठीक है, अदर ड्रग अदर एंजियोलाइटिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, या कोई भी अदर हिप्नोटिक ड्रग्स यूज़ करनी है, तो ये सब इसके बारे में था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक, सो एनीवन हैव एनी सिंगल क्वेश्चन रिलेटेड दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, थैंक यू वेरी मच।